चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एक बार पहले फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जितने बच्चे न्यू ज्वाइनिंग है उनको पहली क्लास लेनी पड़ेगी। और मैंने जैसे बताया कि फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको, क्योंकि हम बेसिकली प्रैक्टिकल सोचेंगे, अभी तक हम जितने भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, एज एन कंपनी सोचते हैं कंपनी को ये फायदा ये, अब ये वाला सब्जेक्ट एज अ इन्वेस्टर सोचना है कि मेरे को कितना फायदा, मुझे कंपनी को कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, हम अपने फायदे की बात करेंगे हर बार पर्सनल लेवल पे, ठीक है ना। तो अगर लास्ट क्लास में क्वेश्चंस की हम बात करें और हम कहां तक चले गए थे, तो हमने सबसे पहले देखा था सर, क्या देखा था, रिटर्न होल्डिंग पीरियड रिटर्न HPR, उसका फॉर्मूला क्या था, आपका इनकम P1 P0 डिवाइडेड बाय P0 × 100। सर इनकम मतलब डिविडेंड भी हो सकता है और इंटरेस्ट भी हो सकता है। P1 मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस, जिस प्राइस पे आपको बेचोगे उसको P1 बोलते हैं, P0 जिस प्राइस पे आपने खरीदा होगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बन गया था। कुछ एग्जाम्पल देखे थे, इसके बाद हमने देखा था अगर हम बात करते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में, तो जो इनकम है हमारा, वो जो मार्केट प्राइस की वजह से इनकम हुआ है, जनरेट हुआ है, उसको हम कैपिटल गेन बोल देंगे। और जो डिविडेंड है वो तो हर साल की जो इनकम होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको कि एक पार्ट जो होगा हमारा कैपिटल होगा, फिर डिविडेंड होगा, शायद वो यील्ड। अगर सिर्फ एक पोर्शन निकालने को बोला जाए तो आपका डिविडेंड यील्ड होगा, और ये पोर्शन बोला जाए तो कैपिटल गेन यील्ड माना जाएगा। इसके बाद फिर से हमने आगे क्या देखा, क्वेश्चंस देखा। इस क्वेश्चंस के अंदर हमने वो सारे पार्ट्स निकाले जो हमने सीखे थे 3.1 में। अगले पॉइंट पे हमने फिर से एक क्वेश्चन देखा और वहां पे हमने सीधा सीधा होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल लिया था, जो कि क्वेश्चंस में बोला गया था। थर्ड क्वेश्चंस में मल्टीपल ईयर दे रखे थे और इसके हिसाब से आपको सारा का सारा बताना था, जो कि आपने हर साल का अलग अलग बताया था निकाल के। मैंने दो बता दिए थे, बाकी आपने कर लिए होंगे। अब इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। अब इन्वेस्टर जो है ना, जो हमें निकालना है रिटर्न, जो हमें रिटर्न निकालना है, और रिटर्न दो बेसिस पे निकाला जाता है मेनली, हमें एवरेज रिटर्न बताना है, एवरेज रिटर्न बताना है। अरे हमें एवरेज रिटर्न बताना है, यानी दो पार्ट होगा। एक तो हमें बताना है कि कितना रिटर्न कमाया, ठीक है ना, यानी एक निकालना है हमें एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न, रिटर्न कि हमने कितना रिटर्न कमाया है, ये हम अपने पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे निकालेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस। एक निकालना पड़ सकता है हमें कि हम कितना रिटर्न कमा सकते हैं, यानी सर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये हमारा एक अंदाजा होगा जो कि होगा जनरली फ्यूचर बेसिस पे, ठीक है ना, फ्यूचर बेसिस पे। और अभी हम सिंगल इन्वेस्टमेंट का सीख रहे हैं, सिंगल इन्वेस्टमेंट। जब मल्टीपल इन्वेस्टमेंट आएगा ना, तो वहां पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज पोर्टफोलियो। अब एक बार रिटर्न क्या मैं बात कर रहा हूं वो देख लो, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से बात कर ही रहे हैं, तो मैं पूरा पूरा आपको प्रैक्टिकल बता दूं। जैसे रिलायंस चार्ट, ये शेयर लिख देंगे तो आ जाएगा, अब देखिएगा। शेयर प्राइस, अब दैट इज, मैं यहां पे 5 डे का ले लेता हूं, ठीक है। अब ये 5 डे का आपको अगर अच्छे से विजुअल हो, अरे ये तो हो नहीं रहा,
कोई और साइट है, मैं एक साइट ना ढूंढ ही लूंगा जहां पे इस पे थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं। हाँ ये देखिए, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम सोच लेते हैं। अब मान लो मैं यहां पे हूं, आज मैंने बोला कि आपको शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो हम फैसला कैसे लेंगे कि किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है? पहले तो आपको उसके पास्ट परफॉर्मेंस को जानना होगा। पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे कि भैया इसका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा रहा है कि पहले वो नीचे आ गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा, फिर थोड़े टाइम पे नीचे। तो आप देख रहे होगा एक बार बढ़ते 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 फिर थोड़ा सा डिप लगाता है ये, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर आता है, डिप लगाता है, ये चल रहा है पास्ट, ठीक है ना? ये पास्ट। तो अगर मैं यहां से यहां एनालिसिस लगाऊं तो यार बढ़िया होगा, जहां पे डिप लगाए मैं वहां खरीद लूं ताकि ऊपर जाए और मैं बेच दूं, और यहां से हर जगह आपको डिप अप डाउन मिलता रहेगा। फिर उसके बाद ना एकदम गिरने चालू हो गया, इसे बोलते हैं बियरर, बियरर बोलते हैं, जो बियरर एकदम मंदी आ गई, देख रहे हो कैसे कट टू कट मारता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। तो ये भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोचो कि गिर गया तो खरीद लो, क्या लेवल डाउन का होगा नहीं पता। बहुत ज्यादा गिर गया तो एक अंदाजा लगा सकते हैं यार अब ऊपर जाएगा, तो इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट बन सकते हैं। अब देखो गिर गया फिर से दोबारा चांसेस है कि ऊपर चला जाए, तो मैं यहां इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं? अगर मैं देखूं कि काफी टाइम से बढ़ ही रहा है यार, ये तो शेयर बढ़ ही रहा है, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो यानी अगर मैं किसी शेयर मार्केट में या कहीं पे पैसे लगाने की सोचूंगा तो पास्ट परफॉर्मेंस को देखूंगा। पास्ट परफॉर्मेंस को देखने का मतलब अगर मुझे पता चल जाए कि पहले महीने में ये 10 रुपए था, दूसरे महीने में 20 रुपए था, तीसरे महीने में 30 रुपए था, तो एवरेज इसका प्राइस क्या होना चाहिए? तो सिंपली हम एक मेथड अपनाते हैं जिसको तीनों को निकाल के हम एवरेज 3 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो हम पास्ट परफॉर्मेंस को अर्थमेटिक मीन के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। एक अगला सीखेंगे कि फ्यूचर में कैसे निकाला जाए, वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के सीख लेते हैं। आपके इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे देखा होगा, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। पहले तो एवरेज रिटर्न निकालने का। तो एवरेज रिटर्न कैसे निकालोगे सर? एवरेज रिटर्न निकालोगे आपका रिटर्न 1 प्लस रिटर्न 2 प्लस रिटर्न 3, अगर 3 साल का रिटर्न है ये सो ऑन चलता जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ आपका एवरेज रिटर्न है ये एवरेज रिटर्न। और ये किस बेसिस पे निकाला जाता है? जिसको हम बोल रहे हैं अर्थमेटिक मीन, जो कि आपने निकाला होगा, इसको हिंदी में माध्य बोलते हैं, इसको हम और मीन सिंपल मीन कह देते हैं। तो इस बेसिस पे निकाला जाएगा। यानी अब जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो वैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पिछले कई सालों से। हाँ वॉइस में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। रिटर्न के नीचे क्या लिखा है? फ्यूचर, फ्यूचर बेसिस होगा, ये बेसिक लिख दिया मैंने, फ्यूचर बेसिस मतलब ये फ्यूचर के हिसाब से डिसाइड होगा, मतलब कितना कमाएंगे, एक्सपेक्टेड मतलब कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना इनकम हो सकता है, इसकी बात चल रही। ठीक है, चलिए अब यहां पे अब मैंने फॉर्मूला क्या लिखा? मीन का। तो हम कुछ एक पहले मीन के पॉइंट्स देख लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है ना? जैसे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि कैसे निकाला जाए। क्या कहता है? जब डिविडेंड ना हो, एक्स वॉन्ट टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ शेयर पे। एवरेज रेट क्या कह रहा है? एवरेज रिटर्न निकालना चाहता है शेयर पे। करंटली अवेलेबल प्राइस 160, 31 दिसंबर 2013, शेयर प्राइस 31 दिसंबर 2008, 9, 10, 11, 12, यानी हमारे पास 8 से स्टार्ट है, तो हम प्राइस को जोड़ें तो 2008, 9, 10, 11, 12, 13, तो 2000 जो 13, तो ये जो प्राइस दे रहा है कहता है ये 2008 का है, दैट इज 100 रुपए,
उसके बाद हो गया 118, फिर 130, फिर 120, फिर 140, फिर 160, ठीक है ना? यही चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, यही चल रहा है। 13, 13, 12, 12 का था ऊपर एज अ 12, 13, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सालों का डेटा गिवन है। एंड द शेयर डिड नॉट पे एनी डिविडेंड ओवर द दीज ईयर, और दे नहीं रहा। कैलकुलेट एवरेज रिटर्न, आपको एवरेज रिटर्न यहां पे बताना है। तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज रिटर्न? आप देखिए, आपने स्टार्टिंग में 2008 में 100 रुपए का खरीदा था, आपकी कमाई कितनी हुई यहां से यहां तक, फिर यहां से। तो एवरेज रिटर्न कैसे निकालेंगे? एवरेज रिटर्न, ठीक है, हमें एवरेज रिटर्न निकालना है, पूरा लिख देते हैं इसको, एवरेज रिटर्न। इक्वल टू ईयर वन का हमने लिखा आर, रिटर्न वन। आर क्या होता है सर, ये भी तो समझाना भूल ही गया। आर वन इज इक्वल टू जो हमारा पी वन माइनस में पी जीरो, ये होगा हमारा आर वन, कि कितना रिटर्न हमने उसके ऊपर कमाया है एक तरीके से। तो पहले साल का अगर इनकम की बात करें 2008 से लेकर 9 तक में, तो हमने कितनी इनकम कमाई है सर? 18 रुपए। फिर अगर हम आगे चलें, इसमें कितने कमाए हमने? 18 रुपए। इसके बाद अगर पहले यहां तक देखो, आपको क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चंस क्लियर है हर बच्चों को? अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस क्लियर है हर बच्चों को? बफरिंग हो रही है? एक बार देखो, और बच्चे बताओ किसके पास दिक्कत आ रही है? अंशिका का कहना है सर क्लियर है। यस सर, क्लियर है। नहीं, बफरिंग का बता रहे थे बच्चे, के बफरिंग हो रही है, वीडियो लैग हो रहा है, एक बार ये बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो अब हम इसको बेसिक तरीके से निकालो। चलो हम 2000 पहले 8 में देख लेते हैं कि कितना कमाया होगा। तो 2008 में P1 माइनस में P0 डिवाइडेड बाय P0 इनटू में 100, ये फॉर्मूला मैं पूरे में लगाता जाऊंगा। तो सर 118 माइनस में 100 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, तो ये आ गया 18% है, याद रखना 18% है। सेम अगर 2009 की बात करें तो ये एक साल का रिटर्न है, ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न नहीं है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बताऊंगा मैं, एक साल का रिटर्न है, एनुअल रिटर्न निकाल रहे हम। देखो यहाँ पे एवरेज रिटर्न जब भी कहे तो एनुअल रिटर्न निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब यहां से लेके यहां तक के बीच का जानना है, तो 18 और 30 कितने हो गए सर? 18 और 30 22 ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 118 इंटू में 100, 22, 118 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 118 इंटू में 100, यह आ गया 18.64। अब 2010 पे आ जाइए, 2010 की जब करेंगे तो हम 10 और 11 चेक करेंगे। तो भाई साहब ये तो घट गया, ये तो घट गया, तो माइनस 10 हो गया है ना, P1 तो ये होगा, तो माइनस 10 डिवाइडेड बाई 130, तो 10 डिवाइडेड बाय 130, तो ये 7.69 माइनस का आ गया। अब 11 की बात कर लेते हैं, 2011, 2011 की, तो इन दोनों को कंपैरिजन चलेगा, तो 20 से 40 हो गया, कितने बढ़ गए? 20 बढ़ गए, 20 बढ़ गए, डिवाइडेड बाय P0 लेंगे जो कि कितना है हमारा 120, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 100, तो कितने आ गए सर? 16.66% आ गए, ठीक है ना। 11 के बाद अब 12 का लेंगे, 2012, 2012 इधर ले लेते हैं, 2012, चलो थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, 12 का ले लेते हैं। तो 12 का क्या होगा सर? 12 का अगर देखा जाए तो यहां से यहां तो कितने बढ़ गए सर? 20 ही बढ़ा, डिवाइडेड बाय 140 इंटू में 100, 20 डिवाइडेड बाय 140
इंटू 100 ये आ गया 14.28, ठीक है 14.28। अब आ जाते हैं सर 13, तो 13 के लिए तो हमें 14 का रिटर्न चाहिए, तो 13 को तो हम निकाल ही नहीं सकते, 13 का तो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। यहां तक हर बच्चों को क्लियर है? तो हमने क्या करा सर, हमने क्या करा, हमने यहां पे रिटर्न्स निकाले हैं, ये पहले साल का रिटर्न है, ये दूसरे साल का रिटर्न है, ये तीसरे साल का माइनस में रिटर्न है, ये चौथे साल का रिटर्न है, ये पांचवें साल का रिटर्न है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज हम कितना रिटर्न कमा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज की बात आए तो इन सभी को जोड़ दिया जाएगा, यानी एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न, रिटर्न रिटर्न वन यानी आर वन प्लस रिटर्न टू प्लस रिटर्न थ्री यानी एक दो तीन, रिटर्न फोर और प्लस रिटर्न फाइव, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, पांच से इनटू डिवाइड कर देंगे तो 18 प्लस 18.64 माइनस 7.69 प्लस 16.66 प्लस 14.28 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 18 प्लस 18.64 प्लस माइनस 7.69 प्लस 16.1616 प्लस 14.28 डिवाइडेड बाय 5 तो ये रिटर्न आया 11.98। पहले ये देखिए, फिर बताएंगे इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसके क्या क्या लिमिटेशन है। सर 12 होगा 22 नहीं, 12 होगा 22 नहीं, मैंने कहां 22 ले लिया है, ओहो यहां गड़बड़ कर दिया, चलो शुक्र है आपने बता दिया, तो 12 ले लें, 118 डिवाइडेड बाय 100 10.69 ठीक है, 18 प्लस 10.69 माइनस 7.69 प्लस 16.66 प्लस 14.28 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया 10.38। रिटर्न जो निकल के आया ये निकल के आया 10.388%। ये पर एनम है क्योंकि एवरेज निकाला है। अगर यहीं पे मैं पूछ लेता कि होल्डिंग पीरियड बताओ, होल्डिंग पीरियड HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो आप क्या करते, पहले वाला ले लेते और आखिरी वाला ले लेते और आप 2013 में बताते ये बातें, 2013 क्योंकि ये तो 12 तक ही बता सकते हैं, तो 13 में क्या कहते सर, 60 रुपए का मुनाफा हुआ, 100 रुपए था और इनटू में 100, तो टोटल आपने जितने भी साल लगाए वहां 60% कमा लिए। तो ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालते हैं इसके अंदर हमारा पर एनम का पंगा नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं फिलहाल के लिए ये। तो पहले देखिए अर्थमेटिक मीन के अकॉर्डिंग एवरेज रिटर्न कैसे निकाले, 10.16 माइनस का 10.16 माइनस होगा, 10.16 माइनस होगा, ये मैंने 10.7 आएगा ना, देखिए 18 10 है सर 2008 का रिटर्न कैसे निकाला, उसका तो P0 नहीं है, तो 2008 तो निकाल सकते हैं प्लीज टेल। तो 2008 में मैंने इतने का ही खरीदा P0, हम 2008 में यानी मैं कह सकता हूं मोटी मोटी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो 2000 को बेस मान के, ये 8 मत मानो बेस मान के, हम 2009 में ये रिटर्न निकाल रहे हैं। आपका भी कहना ठीक है, हम 2009 के अंदर रिटर्न निकाल रहे हैं बेस मान के, तो आप इसको 9 भी मान सकते हो, 9 10 11 12 13 13 का हमने रिटर्न निकाल लिया। चलो हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर 8 का कैसे निकालोगे आप, तो वो दूसरी तरीके से समझ रहे हैं, मैंने बोला उसको बेस माना, 9 मान लो इसको, 10 मान लो, 11 मान लो, 12 मान लो, 13 मान लो, ठीक है 10.16 होगा, 118 ही तो होगा, आप बताएं किसके अंदर होगा। तुषार कह रहा है सर 2009 का 10.16 होगा,
ये कह रहे हैं 10.16 होगा, 12 डिवाइडेड बाय 118। हाँ ये कह रहे हैं 10.16 होगा, ये लीजिए 16 कर दिया, ठीक है, और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 16 कर दिया, आना यही है, लेकिन ठीक कह रहे हैं कि आप थोड़ा बहुत, तो ये रह गया है, साइज रिड्यूस कर दे थोड़ा, बताइए। बताएं, ये क्वेश्चन क्लियर है? आपको एक क्वेश्चन दे, आपको एक क्वेश्चन दे, चलिए अब देखिए डिविडेंड भी आ गया, आपको अभी नहीं देंगे, अभी मुझे करने दो। अब देखो 3.5 में डिविडेंड भी आ गया है, सर कैसे करोगे? मैं आपको कुछ दूंगा क्वेश्चंस होमवर्क में, कैसे करोगे? तो आपके साथ 9 है, तो हम इसका मतलब 10 का निकालेंगे, 11 का निकालेंगे, 12 का निकालेंगे और 13 का निकालेंगे। अब डिविडेंड भी आ गया है, क्या कहता है डिविडेंड? इलस्ट्रेशन नंबर 3.4 को ही बेस माने और उसके हिसाब से करें। तो 3.4 को अगर देखें तो यहां पे अर्निंग थी 18, और मैं अगर यहां की बात करूं, मैं लिख लेता हूं ना, 18 12 माइनस 10, 12 माइनस 10, मैं इनकम डायरेक्ट निकाल रहा हूं यहां पे, और कितना था हमारा 20, और 20 का यहां, 20 का और यहां 20 का, ठीक है, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, है। तो पहले हम R1 निकाल लेते हैं सर। सर कैसे निकालोगे R1? R1 निकाल लेते हैं ना, R1, इसको रिटर्न वन नाम दे देते हैं। R1 क्या होगा सर? डिविडेंड, यानी 6 प्लस 6 प्लस में 18 हमारा 100 था, इसके लिए 100 था, तो डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस याद ही हो गया, पीछे पढ़ रहे थे, तो 6 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 100, ये 24% हो गया, इनटू 100, तो ये डायरेक्ट हो गया 24%, ठीक है। R2 अगर निकाले जाए तो वहां पे 5 रुपए है और प्लस इनकम था 12, और यहां पे था हमारा 118, 118 P0 118 था। अब पीछे क्वेश्चन में देख लीजिए P0 क्या था, दूसरे साल का 118, अब 130 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 12 और 5 17 डिवाइडेड बाई 118 इंटू में 100, 14.40, ये आ जाएगा 14.40। हम एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन ये एवरेज में भी बहुत कमियां हैं, वो भी देखेंगे, पहले निकालना तो सीख ले हम। तीसरे साल में क्या था सर? माइनस में आ गए थे। तीसरे साल में क्या था सर? माइनस में आ गए थे, और माइनस में क्या था? बेस 130, तो बेस तो 130, ये भूल ना जाए इसलिए लिख लिया। तीसरे साइड में 0 डिविडेंड मिला, और हम 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 130, ये तो वही रहेगा, -7.69, -7.69। R4 की बात करें तो R4 में कितनी कमाई थी सर? 20 रुपए, और बेस रहा है यहाँ पे 120 इंटू में, प्लस डिविडेंड इस साल 10 रुपए इंटू में 100, तो अगर देखा जाए तो 130 डिवाइडेड बाय 120, 130 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, तो ये आ गया 25%, 25% रिटर्न। R4 के बाद R5 सर, हमारा डिविडेंड है 5 प्लस 20 रुपए डिवाइडेड बाय R5 140, 140 इंटू में 100, पहले आप ये बताइए 125 डिवाइडेड बाय 140 इंटू में 100, ये आ गया हमारा 17.85। आप मुझे ये बताइए, इन सभी का मैंने R1 जा रहे, हाँ तो ताला लगा के चाबी दे दो, उसने देखना, ठीक है, वीडियो सही नहीं आ रही है, वीडियो रुक रही है, क्या करें इस लैपटॉप का, जीएसटी की
मैं ये लास्ट क्वेश्चन कर देता हूं, मैं जब तक वीडियो ठीक नहीं हो जाती मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है? आपको एक रिटर्न में, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो अपलोड कर दूंगा। यहां तक के क्वेश्चंस में मैं बताता जाता हूं, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, जितना समझ में आ रहा है अब वो देखिए। अब यहां पे हम क्या निकालेंगे, एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न फॉर्मूला क्या है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव और डिवाइडेड बाय फाइव इंटू में 100। आर वन क्या है सर, 24 प्लस 14.40 माइनस 7.69 प्लस 25 और प्लस 17.85 डिवाइडेड बाय फाइव, 24 माइनस 7.69 प्लस 25 प्लस 17.85 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 14.7145। आंसर इज 14.712, 14.712। अब वीडियो की दिक्कत है, अभी तो लेके आए थे यार। हाँ ही रख दो, दे दो। अभी खरीदा था, शायद रीसेट मारना पड़े। आर टू कैसे निकाला, आर टू देखिए, 5 का डिविडेंड और उसके ऊपर इनकम 12। कैसे 12, अभी देखिए पीछे दिखाते हैं। देखिए दूसरे साल का इनकम कैसे निकाला था हमने, 12, क्योंकि दूसरे साल पे आ गए, इनके बीच का डिफरेंस 12, ठीक है? और बेस ईयर ले लिया हमने 118 जो था, तो ऐसे आ गया ये। सिग्मा आर आई एन, फोर्टीन पॉइंट सेवन वन टू या 7.1 भी चलेगा। पहले ये बेसिक्स देख लीजिए सर, डिविडेंड क्यों ऐड करना होता है। तुषार पिछली क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आप फर्स्ट क्लास में हो तो डेफिनेटली दिक्कत आ रही होगी। रिटर्न किसी का भी निकालने के लिए क्या सीखा था हमने सर, कैसे रिटर्न निकालेंगे सर, सर रिटर्न निकालने का फॉर्मूला दिखा दो आप एक बार, तो अभी दिखा देते हैं सर, बताइए कैसे रिटर्न निकाला था। ये देखिए, किसी का भी रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम यानी डिविडेंड। इनकम का मतलब क्या है, डिविडेंड है, डिविडेंड और पी वन पी जीरो, इसको रख के पी जीरो इंटू में 100, ये रिटर्न निकालने का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला मैंने 5 बार अप्लाई किया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, पूरे 5 बार यही फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई किया है। तो इसी हिसाब से ये डिविडेंड ऐड होता गया है। नहीं, वीडियो का कुछ दिक्कत चल रहा है, तो आज 2 घंटे की ले ही नहीं पाएंगे। बताइए कोई डाउट है, तो वीडियो कुछ ना कुछ, वॉइस कुछ ना कुछ, तो मैं एक काम करता हूं ना, आगे मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराना था, जीएम कराना था, ज्योमेट्रिक मीन करवाना था, और उस तीनों को मुझे कोऑर्डिनेट करके चलना था। तो अगर आपको थोड़ा सा ब्लर हो गया या फिर मान के चलो वॉइस में लैक आ गया, तो फिर मजा नहीं आएगा उस काम में, लाइव क्लास में तो खराब हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल इजी इजी था, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूं, आज की क्लास जो अगली क्लास होगी उसको 2 घंटे की कर रहा हूं, क्योंकि अब बच्चे कह रहे हैं, तो मैं क्या करूं इसके अंदर। अब अभी लैपटॉप को पहले रीसेट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये देखिए, सिर्फ ये पढ़ा, इसके बड़े सारे लिमिटेशन है, वो मुझे अच्छे से समझाना है आपको कि क्या क्या लिमिटेशन है। तनिष्का कह रही है सर, नाउ वीडियो वॉइस बोथ आर क्लियर। बीच का कुछ नहीं पता, बिल्कुल टेक्समैन की बुक का ही इलस्ट्रेशन है, हम उसी को बेस मान रहे हैं। मैंने कहा था बनीता त्रिपाठी है, उसके हिसाब से। नहीं
नेक्स्ट क्लास 3 आवर्स की। थ्री तो नहीं, 2 पॉइंट, क्योंकि 3 में आप परेशान हो जाओगे, मैं तो ले लूंगा, मैं 2 आवर प्लस का ही लूंगा अगली क्लास। अगली क्लास में ये चैप्टर का 90% पार्ट खत्म ही कर लेंगे हम फटाफट। सर जीएसटी की क्लास 7 to 9 नहीं हो सकती? देखो 7 बजे तो मैं हूं, और 7 बजे क्योंकि कॉस्टिंग की क्लास चल रही होती है, तो उसका वही है कि सैटरडे संडे आपका सेमेस्टर 6 भी है, कॉलेज भी सैटरडे संडे मैक्सिमम ऑफ होता है, तो हमारी प्लानिंग जो चल रही है कि सुबह 9 से 11 का रख ले हम, 9 से 11 सैटरडे भी, 9 से 11 संडे भी बेटर रहेगा, या 10 से 12 रख लें। ठीक है, तो चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक ये पूरा मैं एक बार आरएनडी कर लेता हूं, जब तक प्रॉपर मुझे कंफर्म नहीं हो जाता मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मॉर्निंग ठीक है, ओके सर, डन। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर। और बुक मैंने बता ही दिया था आपको, वनीता त्रिपाठी, मैंने टेक फोन करके भी पूछा, तो जो एडिशन है वो एडिशन 6th एडिशन है, जो टेक्समैन की है, वनीता त्रिपाठी, आप ले सकते हैं। यानी पिछले साल 2023 का एडिशन आया है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं किया उन्होंने, वही बुक टू बी कंटिन्यू चल रहा है। आरपी रस्तोगी की बुक जो है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से आ रहा है, तो इसलिए मैं उसे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा तो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए हम इसी से कर लेते हैं अभी। मुस्कान सर सैटरडे तो क्लास होती है सेमेस्टर 6 की। अभी देखो, अभी सैटरडे जो भी क्लास रहेगी ना उस दिन डिस्कस करके कंटिन्यू कर लीजिएगा सर से, क्योंकि फिर 8 to 10 फिर बच्चे बोलते हैं 10 बजे ज्यादा हो गया, या कोई प्रोविजन निकालते हैं सैटरडे को। हम ये कर सकते हैं कि हम 4 से या फिर हम 3 से 6 का रख लें क्लास, 3 से 5 कर लें दिन में, ठीक है ना। इंटरनेशनल बिजनेस की देखिए अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, चेक मैं कर रहा हूँ वीडियो के कैसे आएगी क्वालिटी, नहीं आएगी। इवन दो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, मेरे पास आया तो था, उन्होंने अभी चल रही है, जब तक देखो मैं फाइनलाइज नहीं करूंगा। तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि देखो क्लासेस लेने से नहीं, जो टीचर हैं अभी तो मैंने, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, मैं भेज दूंगा, उन्होंने भेजा था तो, बट अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट चल रहा है सर, वॉइस कैसी होगी नहीं होगी, वो दूसरे स्टूडियो से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एंड ऑल सारी चीजें कर रहे हैं, ऑडिटिंग की भी होगी बहुत सारी है, सारी ना 10-12 तारीख से सब स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप, अलग अलग टीचर करवाएंगे, मैं सिर्फ FOI करवाऊंगा आपको। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं, वो नहीं होगा, कोशिश करेंगे अगर कोई टीचर्स है उसके अकॉर्डिंग तो फिर बात करेंगे, नहीं तो अभी सेल्फ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चलिए सर, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।